हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू लॉन्च एज वेल एज रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम। काफ़ी सारे लोग इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड देन आई सॉ कि इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट। आई थॉट कि चलो ले लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। नाउ इस तरह की ये आउटर पैकेजिंग में आता है जिसपे आपको ऑलमोस्ट सारा, तो क्या मतलब, हाँ, फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट इज मेंशनड एंड क्या स्टडीज़ इन्होंने करी हुई हैं, रिजल्ट कितने दिन में मिलेंगे, वो सब इस पर मेंशनड है। एंड ये है इसका अंदर का ग्लास ड्रॉपर भी नहीं, वॉन्ड टाइप ऑफ पैकेजिंग। 20 ग्राम का प्रोडक्ट है, रिटेल फॉर 800 रुपीज़ और 800-900 के बीच का ये प्रोडक्ट आता है, विच इज़ लाइक फाइन बिकॉज क्वान्टिटी आपको 20 ग्राम मिल रही है और टेक्स्चर इसका ऐसा है कि काफ़ी लंबा आपका चल जाता है। नाउ यू सी इट्स बीन अ मंथ बट स्टिल अभी ये सिर्फ इतना सा ही फिनिश हो पाया है। कैन यू सी दिस, बस ये इतना सा ही फिनिश हो पाया है दो टाइम यूज़ करने के बाद भी। तो नाउ इट्स बीन अबाउट से अ मंथ सिंस आई वॉज टेस्टिंग दिस आउट और मैंने आपको बोला था कि मैं एक महीना इसको ट्राई करूँगी और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या सच में ये डार्क सर्कल्स पे काम करता है या नहीं। नाउ सबसे पहले यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि इट्स अ 2.5% ऑफ हाइलुरोन प्लस कैफीन। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड प्लस कैफीन के मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन है 2.5%। आप पीछे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा द हाइलुरोनिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1.5 प्लस इसमें डली हुई है 1% ऑफ कैफीन। ना हाइलुरोनिक एसिड क्या है? हाइलुरोनिक एसिड इज अ वाटर मैग्नेट जो अपने वेट से 1000 टाइम मोर पानी को होल्ड कर सकता है। सो इट्स अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट फॉर पीपल जिनका डिहाइड्रेटेड स्किन है और स्किन को प्लम्प बनाने में ये हेल्प करता है। नाउ प्लस पॉइंट ऑफ दिस हाइलुरोनिक एसिड इज कि इन्होंने ना इसके अंदर मैक्रो एज वेल एज माइक्रो साइज का हाइलुरोनिक एसिड डाला है बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड का जो साइज मॉलिक्यूलर साइज होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो एज सच आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, दैट जस्ट सिट ऑन द टॉप ऑफ योर स्किन। बट जब आप उसको काट देते हो फ्रेगमेंट्स में, जब उसके आप माइक्रो साइज में कर देते हो उसको, तब वो पेनिट्रेट कर पाता है। तो जब भी आप कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट देखो या लेने जा रहे हो, ज़रूरी ये चेक करना कि उस पर माइक्रो लिखा हुआ है। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट महंगा है बिकॉज़ उन्होंने उसके अंदर छोटा साइज डाला हुआ है हाइलुरोनिक एसिड का। ऐसे ही नहीं कि हाइलुरोनिक एसिड डाल दिया है जो सिर्फ आपकी स्किन के टॉप पर ही सेट कर रहा है। तो इट्स गुड कि इसके अंदर छोटे साइज़ के हाइलुरोनिक एसिड डले हुए हैं मॉलिक्यूल जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को अंदर से प्लम्प करेंगे। नेक्स्ट इसमें अंदर डला हुआ है 1% ऑफ कैफीन जो कि आपकी डार्कनेस को कम करने में हेल्प करता है एज वेल एज कहीं भी पफ़ी आईज़ है जो वाटर अटेंशन होता है ना उसको ठीक करता है। कहीं पे अगर मान लो सुबह अगर आप उठते हो तो आपको अगर ये वाली चीज़ ऐसे स्वेल लगती है, अगर आपकी स्वॉलो हो जाती है यहाँ पे, तो उसको कैफीन काफ़ी अच्छे से कम कर देता है। जो स्वेलिंग होती है उसको कम कर देती है कैफीन और डार्कनेस को भी कम कर देती है। नाउ उसके अलावा इसके अंदर क्या डाला हुआ है फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसमें ऑन द टॉप वाटर है, उसके बाद इसमें ग्लिसरीन डली हुई है विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट एंड बेस्ट ऑल्टरनेट टू हाइलुरोनिक एसिड। उसके अलावा इसमें इनका जो एक फेवरेट इन्ग्रीडियंट है लॉरियल के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ये हर प्रोडक्ट के अंदर डाल देते हैं, दिस इज़ हाइड्रोक्सी इथाइल प्रोपाइजीन इथेन सल्फोनिक एसिड। वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन्ग्रीडियंट, सम सेज इट्स सेफ, सम सेज इट्स नॉट सेफ। उसके अलावा इसके अंदर डाला हुआ है नायासिनामाइड ऑन द टॉप ऑफ द इन्ग्रीडियंट। सो आई फील कि इसके अंदर एटलीस्ट 4% 3-4% का तो हाइलुरोनिक एसिड होगा ही होगा या 2% तो कहीं नहीं गया बिकॉज उसके बाद इसमें डाला हुआ है सोडियम हाइलुरोनेट जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 1.5। तो यूजली अगर आपको पता ही होगा कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के उसमें लिखी गई होती है, तो नायासिनामाइड पहले है और हाइलुरोनिक एसिड बाद में है, तो नायासिनामाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड यहाँ पे 1.5% है, तो नायासिनामाइड 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सो लेट्स अज्यूम कि इसमें 4% है, 2-4% ऑफ नायासिनामाइड इसके अंदर डला हुआ है जो बेसिकली आपकी डार्कनेस पे काम करेगा और आपकी फाइन लाइंस पे भी काम करेगा बिकॉज इट्स अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट। ये
ऑयल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. सो ब्यूटिफुल इन्ग्रीडियंट, लव द नायासिनमाइड इन द फॉर्मुलेशन. उसके बाद इसके अंदर डला हुआ है सोडियम हाइलुरोनेट, एंड देन डला हुआ है 1% ऑफ दिस कैफीन, एंड उसके बाद इसमें पीएच एडजस्टर्स एंड एक ग्लाइकॉल डला हुआ है, एंड दैट इज इट. उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है. सो आई लाइक द इंग्रेडिएंट लिस्ट कि सर फ्रेग्रेंस फ्री है, कोई परफ्यूम, कोई अल्कोहल नहीं है. सरप्राइजिंगली लॉरियल हैज सरप्राइज्ड मी दिस टाइम. लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट, अच्छी लगी मुझे. नाउ कमिंग टू द टेक्सचर, इस तरह का देखो, सबसे पहले तो पैकेजिंग इस तरह की है जिसमें यहाँ पे ये ना इस तरह का ट्रिपल रोलर टाइप काइंड ऑफ ये आगे का वॉन्ड है जो एप्लीकेशन लाइक जब आप अप्लाई करते हो तो ठंडा ठंडा तो लगता है, बट एक साइड की ना इसकी वो हर्ट करती है मुझे, लाइक वन साइड ऑफ द रोलर हर्ट माय आईज, दूसरी साइड इज फाइन. बट द टेक्सचर है इसका बहुत ज़्यादा लाइट है और रनी सिरम टाइप ही है. वंस इट गेट अब्जॉर्ब तो हल्का सा स्टिकी स्टिकी भी फील होता है बिकॉज जो हेलोनिक एसिड है वो हल्का सा ग्लूई होता है, तो ग्लूईनेस आपको फील होती है. एंड जब भी आप ये यूज़ करोगे यू हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर ऑन द टॉप टू लॉक दैट इन, बिकॉज आप हेलोनिक एसिड लगा रहे हो और हेलोनिक एसिड के ऊपर अगर आपको ये एक मॉइस्चराइजिंग लेयर नहीं लगाओगे, अगर उसको बाहर से एनवायरनमेंट से मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो आपके अंदर के मॉइस्चर को वो खींचना शुरू कर देगा और आपको और ड्राइनेस हो जाएगी. तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप इसको लगाएं इसके ऊपर हमेशा एक मॉइस्चराइजर का लेयर जरूर से लगाएं. नाउ द ब्रांड क्लेम्स कि ये विद इन आफ्टर 2 weeks आपकी जो आईज हैं दे लुक यंगर, एंड डे आफ्टर डे अंडर आई लाइन्स जो हैं वो 21.9% रिड्यूस हो जाएंगी, एंड स्किन फील मॉइस्चराइज्ड इमीडिएटली, एंड आई लुक्स अवेकेंड. ना इस पे देखो बिल्कुल एकदम जैसे कि आईज अवेक हो रही हैं वो तो मुझे नहीं फील हुआ, नॉट इवन डार्क, मुझे डार्कनेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ. आईज अवेकन लग रही हैं वो भी मुझे फील नहीं हुआ बिकॉज मैंने इससे पहले कैफीन वाला आई सिरम लगाया है ऑर्डिनरी का, तो उसको जब मैं लगाती थी तो हल्की सी ब्राइटनेस नज़र आती थी. इसके केस में मुझे वो नज़र नहीं आई, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. बट येस आई थिंक इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिकॉज एक महीने में सिर्फ इतनी ख़त्म हुई है तो आपके आराम से 2-3 महीने ये निकाल देगी. तो बाय द टाइम जब आप इसको ख़त्म करोगे तो डेफिनेटली आपको रिडक्शन ज़रूर फील हो सकती है, बट इन मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ इसको यूज़ करने के बाद. एंड सेकेंड थिंग कि मुझे ना इसकी ये पैकेजिंग पसंद नहीं आई. आई लाइक द फैक्ट कि ग्लास बॉटल है, बट अगर ये नॉर्मल ड्रॉपर में होता ना, पंप में होता तब तो बेस्ट होता, बट ड्रॉपर भी होता ना तब भी ठीक है, और रोलर अलग से दे देते. अभी क्या है कि आप इसको ऐसे निकालते हो, देन आप इसको ऐसे अप्लाई करते हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके फेस से इस पर बिक जाएगा. ऑफकोर्स आपने फेस क्लीन किया होता है, बट स्टिल जब आप इसको ऐसे निकाल के लगाते हो एंड देन यू पुटिंग इट बैक ऐसे, तो वो सारा कंटेमिनेशन आपके सोल्यूशन में नहीं चला गया, तो वो मेरे को थोड़ा सा लगता है बिकॉज आई एम थोड़ा सा वो वाला पर्सन कि जिसको थोड़ा सा OCD का प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है कि यू नो बाय द टाइम यू नो जब तक फिनिश हो गए इसका अंदर का ये ना सारा खराब हो जाए. सो आपको 6 months के अंदर अंदर इसको यूज़ करना है बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ उतना ही है आफ्टर ओपनिंग. तो आई थिंक 800 rupees इज़ फाइन, लाइक इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन, बट डोंट सीक मैजिक कि आप जब ये ख़त्म करोगे तो फाइन लाइन्स भी ख़त्म हो जाएंगी और अंडर आइज भी गायब हो जाएंगे. आई एम नॉट श्योर कि वो होगा या नहीं होगा, बट येस इसको पूरा फिनिश करने के बाद MTs में आपको पता चली जाएगा कि क्या इसने किया, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्टेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन. So yeah, that is it guys, that's my experience on this product. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है thumbs up दे देना, चैनल को subscribe कर लेना और मुझे Instagram पे follow कर लेना. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली video में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. Bye bye.